नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। पढ़ेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान। 1 जून 2020 से प्रतिदिन 3.25 घंटे का शैक्षणिक प्रसारण डीडी राजस्थान चैनल पर शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को शिक्षा दर्शन नाम दिया गया है और ये कक्षा 9 से 10 के 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11-12 का 1:30 से 2:30 और कक्षा 1 से 8 तक 3 बजे से 4:15 बजे तक। और ये इसके शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के बारे में है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगली खबर है, RTU से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज अब भेज सकेंगे स्टूडेंट्स के 30% इंटरनल मार्क्स। ऑनलाइन द न्यू नॉर्मल ऑन एजुकेशन वेबिनार का आयोजन। RTU के वाइस चांसलर ने कहा, आगामी सत्र में एडमिशंस की रहेगी भरमार। कोविड के दौर में परिजन नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर। AICTE के वार्ड चेयरमैन ने कई क्षेत्रों में ऑनलाइन एजुकेशन के विस्तार में बताई बड़ी समस्या। जयपुर, वन नेशन वन राशन कार्ड आज से 20 राज्यों में हो रहा है लागू। देश के 81 करोड़ लोगों की रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी सरकारी योजना PDS के लिए सोमवार यानी 1 जून की तारीख काफ़ी अहम है। सस्ती दरों पर मिलेगा अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मुताबिक देश के 81 करोड़ लोगों को जन वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं। इस योजना से किसे मिलेगा लाभ। अगली खबर, NMMS परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित। जयपुर, बाड़मेर की पूनम रही अव्वल। सांभर में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सांभर झील, कांग्रेस प्रत्याशी रहे विद्याधर ने युवाओं को दिलाया भरोसा। NIOS 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई से। नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 10वीं 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित डेटशीट जारी की है। NIOS की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगी। LDC भर्ती परीक्षा 2018 में विभाग आवंटन से चयनित अभ्यर्थी की पूरी तरह से असंतुष्ट। जयपुर, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा LDC भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन का कार्य तो कर दिया है, परंतु 70% अभ्यर्थी असंतुष्ट है और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के से विभाग का विकल्प तो मांगा था, परंतु अभ्यर्थियों को यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी कि कौन कौन से विभाग में किस किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं। 11 अंकों के नंबर के लिए सिफारिश नहीं की, फिक्स लाइन से कॉल के लिए 0 लगाने का सुझाव दिया था ट्राई। नई दिल्ली, मोबाइल सर्विस के लिए 254 करोड़ नए नंबर बन सकेंगे। अभी फिक्स्ड लाइन से बिना 0 लगाए भी मोबाइल पर कॉल किया जा सकता है। दरअसल ट्राई का तर्क है कि डायलिंग पैटर्न में बदलाव करने से मोबाइल सर्विस के लिए 254 करोड़ नए नंबर बन सकेंगे। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक धारक भी अब कर सकेंगे रोडवेज में निःशुल्क यात्रा। राज्यपाल के निर्देश पर राज्य सरकार ने जारी किए आदेश। जयपुर, लॉकडाउन 5.0 राजस्थान में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। जयपुर, सरकारी और निजी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, धार्मिक स्थल और स्कूल फिलहाल रहेंगे बंद। यह अनुमति और गतिविधियां रहेगी और आवागमन संबंधित निर्देश। बच्चों को किया जाएगा जागरूक। इसके साथ फिलहाल ऑनलाइन लर्निंग को ही प्राथमिकता दी जाएगी। पढ़ाई के साथ बच्चों को कोरोना से बचाव के बारे में भी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें मास्क लगाने, 6 फीट की दूरी बनाने और साबुन से बार बार हाथ धोने की जानकारी दी जाएगी। कोरोना काल में शिक्षा को लेकर सामने आई कई चुनौतियां, ऑनलाइन परीक्षा की मुश्किलें बढ़ी। स्कॉलरशिप, द टेस्ट प्रेप इंस्टीट्यूट टाइम 31 मई 2020 को बैंक कोर्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आयोजित कर रहा है। छात्र इस परीक्षा में निर्धारित समयावधि सुबह 10 से 6 बजे में से किसी एक के चयन के जरिए भाग ले सकेंगे। और परीक्षा में पंजीकरण करने के लिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वेटिंग सूची की मांग को लेकर दोबारा से 172,000 ट्वीट्स। टूल पकड़ रहा है रीट 2016 प्रथम वेटिंग सूची प्रकरण। जयपुर, 2016 अंग्रेजी विषय की प्रथम वेटिंग सूची जारी करने का मामला टूल पकड़ने लगा है। लॉकडाउन के बीच बेरोजगार उक्त भर्ती के रिक्त 826 पदों पर प्रथम वेटिंग सूची जारी करवाने को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग, शिक्षा मंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन। इबादत नोहर, ऑनलाइन आवेदन का बेहतरीन मौका। 943 कुल पद हैं, पदों का विवरण है TGT मेडिकल एंड नॉन मेडिकल आदि, जूनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, कंप्यूटर असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट इत्यादि। शैक्षणिक योग्यता है 10वीं और 12वीं, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष,
आवेदन की अंतिम तिथि है 5 जून 2020 और शुल्क है 360 रुपये और 120 रुपये या फिर निःशुल्क। सेना में भर्ती होने का अवसर, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पटियाला पंजाब। पदों का विवरण, सोल्जर, सोल्जर टेक्नीशियन, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट इत्यादि। जिले हैं फतेहगढ़ साहिब, बरनाला, मानसा, संगरूर एवं पटियाला के उम्मीदवारों के लिए पंजाब। आयु सीमा पदानुसार, पात्रताएं 45% अंकों से 10वीं, 50% अंकों से 12वीं और उत्तीर्ण व अन्य पात्रताएं। रैली की तिथि 1 से 13 अगस्त 2020। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 2 जून से 16 जुलाई 2020। यह एक्यूरियल अप्रेंटिस के पदों का करें आवेदन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह पद का विवरण, अप्रेंटिस अवधि 2 वर्ष, पदों की संख्या 4, आयु सीमा 30 वर्ष, स्टाइपेंड है 30,000 से 32,000 रुपये। पात्रता है 60% अंकों में किसी भी विषय में स्नातक और अन्य पात्रताएँ होनी चाहिए। चयन ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू द्वारा आवेदन प्रक्रिया में अंतिम तिथि। UGC नेट व अन्य प्रवेश परीक्षा की तिथियां 15 तक बढ़ी, नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों की मांग पर UGC नेट, CSIR नेट, JNU इग्नू सहित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। अभी छात्र 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे। शिक्षकों की ड्यूटी अन्य विभागों में लगाने पर जताई घोर आपत्ति, सिरोही। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाने की पुरजोर मांग की है। रोक नहीं लगाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। स्कॉलरशिप अलर्ट, कहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्कॉलरशिप नेचरिंग क्लिनिकल साइंटिस्ट स्कीम 220। आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष, सीटें 50, पात्रता 60%। स्कॉलरशिप राशि 1 लाख रुपये प्रतिमाह व PhD हेतु 3 वर्षों के लिए 3 लाख रुपये। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2020। और यह है वेबसाइट। संस्कृत विश्वविद्यालय ने ग्रीष्मावकाश 15 जून तक बढ़ाया, जयपुर। 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों में करीब 26 लाख टिकट बुक। आज से चलेगी 200 ट्रेनें। पहले दिन 1.45 लाख यात्री करेंगे सफर, नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने को तैयार है। सोमवार यानी 1 जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों कुछ की गई स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएगी। ट्रेन में सफर के लिए ये होंगे नियम। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटर टिकट एजेंट CSE बुक की जा सकती है। सिर्फ कन्फर्म RSC टिकट वाले यात्रियों को स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति होगी। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। ट्रेन किराए में किसी भी तरह की कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगा। यात्रा के दौरान चादर, कंबल और तकिया नहीं दिए जाएंगे। यात्रियों को साथ में लाना होगा। सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर प्रवेश और निकाय के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर मास्क पहनना होगा। सभी यात्री आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की सख्ती से पालना होगी। यात्रा के दौरान टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा। पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। मंजिलें और भी है। अपने पाई जेम फाउंडेशन के जरिए मैंने अब तक 15,000 बच्चों का प्रशिक्षण किया है और महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा कश्मीर के 51 स्कूलों में मुफ्त में कंप्यूटर लगाया है। डिजिटल गैप भरने के लिए स्कूलों में मुफ्त कंप्यूटर, ऐसे हुई शुरुआत। बच्चों तक पहुंच, मुफ्त बांटे कंप्यूटर। आरक्षित वर्ग के बैकलॉग के संबंध में ज्ञापन सौंपा, बालेसर। दोस्तों, यह थी आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार और मैं नीलम अब आपसे विदा ले रही हूँ इस वीडियो में। कल आपसे फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आने पर लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।